छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए भयानक हादसे के बाद पूरे प्रदेश में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई दिग्गज नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पंडरिया जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, साथ ही डिप्टी सीएम ने मृतकों के परिवार वालों को भी संतावना दी। बता दें कवर्धा सड़क हादसे में 19 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 3 लोग बुरी तरह से घायल है और ये सभी तेंदू पत्ता तोड़कर पिकअप वाहन से लौट रहे थे और इसी दौरान पिकअप गड्ढे में जा गिरा। पिकअप में कुल 36 लोग सवार थे, इनमें से 12 लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना अंतर्गत पिकअप के पलटने से दुर्घटनाग्रस्त होने से 17 लोगों के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। यह अत्यंत हृदय विदारक और दुखद घटना है। मैं मृतकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। प्रशासन की पूरी टीम परिजनों को हर संभव मदद करने के लिए, घायलों के हर संभव इलाज के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और हर संभव मदद पहुंचाने का काम प्रशासन के लोग कर रहे हैं। मरहा गांव के हैं, सभी कुलदूर क्षेत्र के हैं और ये मैंने नियमित आना जाना करते थे। गाड़ी के गांव से जाकर के तेंदू पत्ता तोड़ करके वापस आते हैं। संग्राहक परिवार हैं, इसमें 13 कार्डधारी हैं, कुल 13 कार्ड हैं सभी लोगों के बीच और लगभग 15 की संख्या, 16 की संख्या ऐसी है। दुखद है, बहुत दुखद है। सब लोग को लगे हैं, जल्द से जल्द सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए। कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी घाटी में एक पिकअप जो है वो खाई में गिर गई, जिसमें कि 18 महिलाओं और एक पुरुष, टोटल 19 लोगों की जान चली गई है। 3 जो है इंजर्ड हैं, जिनको कि जिला अस्पताल जो है भेजा गया है। टोटल पिकअप में 36 लोग बैठे हुए थे, 12 लोग कूद के बचने में सफल रहे हैं। किन कारणों से एक्सीडेंट हुआ उसकी जांच जो है की जा रही है। पुलिस ने इसमें प्रथम दृष्टि FIR जो है रजिस्टर कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।